नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबरों पर नजर परिवार में। और आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भैया क्या नाम भैया आपका? मानवेंद्र कुमार मिश्रा। मानवेंद्र जी, कहाँ से कहाँ तक यात्रा जा रही है आपकी? पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो कितना किलोमीटर हो गया? 13,000 किलोमीटर। 13,000 किलोमीटर। तो भैया आपके पैरों में चप्पल नहीं है, क्या कारण है इसका? मैं 27 मार्च 2022 से चल रहा हूँ। 27 मार्च 2022 से तो नंगे पैर ही चल रहे, तो आप चप्पल नहीं पहनते? केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु से 2950 किलोमीटर पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू। अरे वाह। वहाँ से 750 किलोमीटर बागेश्वर धाम। अरे वाह। और वहाँ से बद्रीनाथ। भैया जी ये बताइए, 45 का टेम्परेचर है और इतनी गर्मी में आपके पैरों में चप्पल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसकी कृपा है आपके ऊपर भैया? ये बजरंग बली की, वो आपके साथ में रहते फिर तो 24 घंटे। एक साल में मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। अरे तो खाना पीना कैसे है? तो भैया से जंगलों से आप जा रहे हैं, हमने गाड़ी रोकी आपको देखा। अभी तो जैसे भी जैसे चलेगा ठीक है, पहले तो घर से लेके आया था ना। अरे हम आपकी उम्र जानना चाहते हैं सर। 25 साल। 25 साल के आप युवा हैं, इस समय में आप जो सनातन धर्म के एक ध्वजावाहक बन करके चल रहे हैं, ये अपने आप में वाकई में अद्भुत है। दोस्तों आपने देखा होगा सिहाब को, जो सिहाब गया है पैदल, एक भैया है नंगे पैर जा रहे हैं, तो सोचिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। भैया सिहाब से ही मिल चुका हूँ रतलाम में। अच्छा, रतलाम में मिले थे उससे? कठिन यात्रा आपकी बहुत है भैया, आप नंगे पैर है, कोई आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। भैया जी ठहरते कहाँ पे? ऐसी ठहर जाते हैं जहाँ पे भी, यहाँ पे अच्छा कहीं भी रुक जाते हैं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूँ शैलेंद्र श्रीमान। यदि आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है, कान की मशीन उनको लगाने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे छोटी मशीन हम दे रहे हैं मात्र 6,500 रुपए और स्टार्टिंग है मशीन की हमारी 2100 रुपए। तो जरूर आप हमसे संपर्क करें कान की मशीन के लिए। धन्यवाद। नया ने 25 वर्ष की युवा अवस्था देखिए, मस्त सर पर चोटी रखी हुई है, ये अपने आप में कितना अद्भुत है। गले में रुद्राक्ष पड़ा डाला हुआ है और साथ में ध्वजा लेकर के नंगे पांव आप चलते जा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। कि कुछ यादगार भी भैया के पास में है, शायद भैया हमें उन चीजों को दिखाना चाहते हैं। देखिए ये अपने आप में कुछ यादें हैं। 2,000 किलोमीटर की चार धाम यात्रा पैदल पूरी की स्वागत किया। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा ये है 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, तमिलनाडु, तमिलनाडु से 2,950 किलोमीटर नेपाल पशुपतिनाथ की पूरी यात्रा की। वाह, अरे 27 मार्च को आप अपने घर से निकल गए थे, लेकिन आप अपना उद्देश्य नहीं बताएंगे, उसे आपने गुप्त रखा है, जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाएगा। ये भी एक बहुत लक्षण बात आपकी हमें लगी, मैं किसी को नहीं बता। वरना लोग पहले अपनी मन की बात बोल देते हैं और फिर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया जी और अपना कुछ अनुभव आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? आपके मन में ये इच्छा कैसे आई? बजरंग बली जी 6 साल की उम्र थे, मैं सालासर बालाजी में रहता हूँ। अच्छा, सालासर बालाजी में रहते हैं आप? जन्मस्थली कहाँ रही आपकी? राजस्थान सीकर सालासर। अरे सालासर धाम आपकी जो है खाटू श्याम जी से 70 किलोमीटर आगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया भैया। 25 वर्ष की उम्र में आप निकले हुए, तो माता पिता को थोड़ी चिंता तो होती होगी? नहीं, बात करता हूँ मैं। अच्छा, फोन पे उनसे चर्चाएं होती रहती है। आपके गुरुजी कहाँ के रहे? गुरुजी यहीं के ही सीकर में। सीकर में, उन्हीं की प्रेरणा है या कोई ईश्वर की? कोई नहीं, गुरुजी की प्रेरणा है। गुरुजी की प्रेरणा है अपने आप में। वाह। इसके बाद में मुझे नर्मदा नदी की परिक्रमा करनी है। अरे अमरकंठक से। भैया इतना नंगे पांव कैसे चल पाते हो आप? 45 का टेम्परेचर है, देखिए दोस्तों कितनी धूप पड़ रही है और कोई इन पर कोई असर नहीं है। एक साल से बता रहे लगातार चल रहा हूँ और कभी मैं बीमार नहीं हुआ। वीर बजरंग बली की अपने ऊपर कृपा बता रहे दोस्तों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। दोस्तों जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करने लग जाते हैं, सब कोई कृपा करते हैं। सनातन धर्म सबसे बड़ा है। हाँ, ये बात है, कुछ भी करना पड़े वो करना बहुत जरूरी है। नर्मदा नदी की परिक्रमा है जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की है। मैं 2028 में वापस जाऊंगा। अच्छा अच्छा, 2028 में वापस लौटोगे? विवाह शादी वगैरह कुछ सोचा नहीं? सर 2028 के बाद, 2028 के बाद विचार होना है। भैया आपने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, तो आपके निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें सत्य सनातन धर्म के लिए। सत्य सनातन प्रेमी होगा इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करेगा। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया।